आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लाया हूँ सार्क के बारे में। तो जितने भी चैनल पर नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो इसमें बात करेंगे सार्क की। तो सार्क है क्या? तो सबसे पहले हम लोग सार्क का पूरा नाम जानते हैं। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है, जिसे हिंदी में हम लोग दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। तो हिंदी में इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क के बारे में हम लोग और भी बातें को जानेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो सार्क जो है एक दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी अब स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, यानी ये फाउंडेड हुआ था यहाँ पर। बात करें सार्क के हेडक्वार्टर की, तो सार्क जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर नेपाल के कैपिटल में काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। इन सब से जुड़ा हुआ लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख सक रहे हैं सार्क में 8 देश इसके सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो 8 देशों के नाम आप लोगों को याद करने हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें कि ये जो संगठन है आखिर इसके सदस्य देश कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो वो आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो देख सक रहे हैं आप लोग कि भारत का मैप है, भारत के यहाँ पर पहला सदस्य है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा खुद भारत है, चौथा नेपाल देख सकते हैं, पाँचवा भूटान है, छठा है बांग्लादेश। तो 6 देश हैं यहाँ पर हैं, और नीचे में 2 देश हैं, सातवां आप लोगों का हो गया मालदीव्स, और 8वां जो है आप लोगों का हो गया श्रीलंका। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मैप के माध्यम से भी देखा कि 8 जो देश हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अब सार्क के बारे में कुछ और बातें को जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि सार्क का पूरा नाम है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। संस्थापक देश यानी कि जब स्थापना हुई इसकी, तो 7 सदस्य देश थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बना, जो कि रिकॉर्ड के हिसाब से 2007 है और 14वां सम्मेलन है। 14वां सम्मेलन में आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान सदस्य बन चुका था। 2005 के आयोजन में अफगानिस्तान जो है इसने प्रस्ताव रखा कि वो सार्क का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन 14वें जो सम्मेलन हुआ 14 नंबर का, जो कि 2007 में हुआ, इसमें ये सार्क का पूरा सदस्य बन गया। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अब देखते हैं इंडियन मैप में, देख सक रहे हैं
इंडिया का मैप और इसके पड़ोसी देश के मैप के माध्यम से सार्क के सदस्य देश। तो यहाँ पर इंडिया पहला सदस्य हो गया, इसके बगल में पाकिस्तान दूसरा हो गया, तीसरा अफगानिस्तान है, चौथा आपका नेपाल है, पांचवा भूटान और छठा बांग्लादेश। ये सात पड़ोसी देश यहाँ पर हो गए, सातवां यहाँ पर मालदीव है और आठवां यहाँ पर श्रीलंका है। तो आठ पड़ोसी देश जो कि सार्क के सदस्य देश हैं, आठों के नाम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सार्क संगठन के कार्य क्षेत्र के लेकर। तो सार्क का जो संगठन है ये गैर राजनीतिक संगठन है जो कि दक्षिण एशिया के देशों का था। तो इसके कुछ कार्य भी हैं। तो कार्य क्षेत्र क्या है? मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, यानी कि वहाँ के साउथ एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ के लोगों का जीवन को सुधारना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि और ग्रामीण विकास। तो इन आठों देशों में कृषि को और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। तीसरा है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा और बायोटेक्नोलॉजी का विकास करना। आर्थिक, व्यापार एवं वित्तीय में एक दूसरे की सहायता और मदद करना। सामाजिक मुद्दों को सुलझाना। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, यानी सूचना का प्रसार करना और गरीबी का को ख़त्म करना। ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सभी में भी तरक्की करना। शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति जो है इसे भी बढ़ाना। तो सदस्य देशों में ये सारी व्यवस्था करना इसका कार्य क्षेत्र है। बात करें सार्क के स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, या जीवन को सुधारना। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन भी करना। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास समझ को बढ़ावा देना। तो ये सभी आप लोगों ने देखा सार्क के कार्य क्षेत्र और सार्क के उद्देश्य के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के अब इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज लाए जाएंगे। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, अगर आप लोगों को इसका डिस्कशन चाहिए हमारे द्वारा, तो आप लोग वीडियो का कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। धन्यवाद।